तो सो आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक है 1.37% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हमें स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ से और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 44.45 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 49.55, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 54, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 60 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 65-70 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट टाइप पर रेजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 42.70 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 39.55 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 36.95 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की तरह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।